तो आज के हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि हम अपने किसी भी टेक्स्ट को या आइकन को अपने फिंगर के साथ में या किसी भी एलिमेंट के साथ में हम ट्रैक कैसे कर सकते हैं। बेसिकली आज हम सीखने वाले हैं मोशन ट्रैकिंग, कैसे भी जैसे कि इस बाइक में कैसे मोशन ट्रैक हो रहा है, जैसे इस कार में मोशन ट्रैक हो रहा है, टेक्स्ट हमारा अटैच हो जाता है, तो वही आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो फटाफट से अपना दविंची रिजॉल्व खोल लो और सीखते हैं हम अपना मोशन ट्रैकिंग इफेक्ट। तो सबसे पहले हमें अपनी कर लेना है, कट लगा लेना है बेसिकली जहाँ पे हमें अपने इफेक्ट को लगाना है। उसके बाद अपने प्ले हेड को वीडियो के ऊपर लेके जाना है। वीडियो के ऊपर ले जाने के बाद हमें अपने फ्यूजन मोड में आना है, फ्यूजन टैब में आना है सॉरी। उसके बाद हमें कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबा के अपना ट्रैकर सर्च करना है। ट्रैकर सर्च करने के बाद उसे ऐड कर लेना, देख लेना कि आपका नोड ऐड है कि नहीं है। तो उसके बाद हमारा ना यहाँ पे ट्रैकर आ जाएगा। इसको हमें अपने सब्जेक्ट के ऊपर लेके आना है और सब्जेक्ट में जितना ज़्यादा बैकग्राउंड से कौन अच्छे से ट्रैक करेगा, तो जैसे कि मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ कॉन्ट्रास्ट को, और ये बॉक्स जितने में आपका ये मूव होगा उतने में ये बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप देख सकते हो क्या चीज़ को इसको ट्रैक करना है, यहाँ पे दिखा रहा है। और इसके बाद जहाँ पे भी अपना प्ले हेड है पहले आप बैक में इसको ट्रैक कर लो, उसके बाद इसको ओके दबा देना। रेंडर होने के बाद जहाँ पे हमारा प्ले हेड था वहीं पे इसको लेके आना, फॉरवर्ड में क्लिक कर देना, तो ये हमारा फॉरवर्ड में ट्रैक कर लेगा। जैसे ये ट्रैक हो जाता है ओके दबा दो, हमारा यहाँ पे बेसिकली हमारा ट्रैक कंप्लीट हो चुका है। तो हमें यहाँ पे ब्लैंक पार्ट में क्लिक करना है डबल, ताकि हमारा कुछ भी सिलेक्ट ना हो, देख लेना आप। उसके बाद हमें यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड करना है अपना, तो यहाँ पे जैसे मैंने टेक्स्ट नोड ऐड कर लिया तो यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट कुछ भी डाल देता हूँ, बेसिकली मैं टेक्स्ट ही डाल देता हूँ यहाँ पे। और इस टेक्स्ट नोड को हमें अपने ट्रैकर करना है, तो ये हमारा टेक्स्ट नोड मर्ज हो गया, बट हमें वो अभी दिख नहीं रहा है टेक्स्ट, तो उसको देखने के लिए हमें अपने ट्रैकर पे क्लिक करना है, ऑपरेशंस पे आना। उसके बाद ऑपरेशंस में यहाँ पे इसको नन की जगह पे मैच मूव कर देना, तो हमारा टेक्स्ट भी लिखना चालू हो जाएगा आपको। तो हम अपने प्ले हेड को पहले लेके आते हैं स्टार्टिंग में, और जैसे कि आप देख सकते हो टेक्स्ट हमारा फिंगर के साथ में मूव कर रहा है, एकदम अच्छे से मूव कर रहा है ये। और अगर आपको अपने टेक्स्ट को कहीं और लेके जाना है तो इसकी मदद से आप लेके जा सकते हो, ऐसा करके आपको फ्यूजन टैप में पता ही लग जाएगा। तो जैसे कि हमारा ये हल्का सा ट्रैक हो रहा है यहाँ पे, इस टाइप से हमारे यहाँ पे इसमें मोशन ट्रैकिंग होती है।